खाने के शौकीन लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक के जरूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके खाने में से बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें निकली, जिसे देखकर आप बाहर का खाना खाने से पहले उसे 10 बार चेक करोगे। यूं तो द नॉलेज बुक ने इस टॉपिक पर कई वीडियोस बनाई हैं जिनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी तरह आज भी हम कुछ और लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके खाने में से कुछ बहुत ही अजीबोगरीब और ख़तरनाक चीज़ें निकली। लिजर्ड फाउंड इन फूड। सफ़र करते हुए अलग अलग चीज़ें खाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन ये खाना घर पर बना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि दुनिया भर से हमारे सामने ऐसे केस आते हैं जब लोगों ने सफ़र के दौरान बाहर से खाने की चीज़ें खरीदी और उनमें से बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ें निकली। एक ऐसा ही केस उत्तर प्रदेश के चंदौली के एक यात्री के साथ भी हुआ। ये यात्री जब पूर्वा एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा था तब उसे भूख लगने लगी, इसलिए इसने रेलवे से वेजिटेरियन बिरयानी का ऑर्डर दिया। और जब यह बिरयानी खा ही रहा था तब इसने अचानक से देखा कि इसके खाने में कुछ बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई दे रही थी। जब इसने उस पर गौर किया तब इसने देखा कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक छिपकली है, जो कि इस फोटो में साफ देखी जा सकती है। अब आप सोच सकते हो कि इस आदमी पर क्या बीती होगी। ये सब होने के बाद इसने रेलवे मिनिस्टर से इसकी कंप्लेन की। इस पैसेंजर ने बताया कि ये रेलवे सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि एक तो इसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई, ऊपर से इसे मेडिसिन भी बहुत लेट दी गई। इस दुर्घटना के 4 घंटे के बाद इसे मेडिसिन दी गई, जो कि बहुत लेट होता है, जिसके बाद इस आदमी को इंक्वायरी करने का दिलासा दिया गया, लेकिन किसको पता कि ये काम हुआ कि नहीं। लेकिन ये सिर्फ अकेला आदमी नहीं था जिसके खाने में से छिपकली निकली हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके खाने में से छिपकली निकली। 2018 में कर्नाटक के बलारी डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्कूल के बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में गद्दीगिरी विलेज के गवर्नमेंट हाई स्कूल में जब दोपहर में बच्चों को खाना दिया गया तब खाना खाते खाते एक बच्चे को अपनी प्लेट में छिपकली दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। इतना ही नहीं बल्कि स्कूल के लगभग 90 बच्चे बीमार हो गए। जब इसके बारे में जाँच की गई तब ये सामने आया कि स्कूल के कैंपस में बच्चों के लिए पुलाव बन रहा था और इसी वक्त ये छिपकली इसमें गिर गई, जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ की टीचर्स इस बात की विटनेस थीं, जिन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई और सभी बच्चों को पास के हॉस्पिटल में भेजा और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पेरेंट्स और गांव वालों ने स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट भी किए, क्योंकि वो कुक और टीचर्स को सजा दिलवाना चाहते थे। ये केस तो इतने हैं कि इन्हें एक वीडियो में कवर किया ही नहीं जा सकता, और इन्हें एक साथ देखकर आपका जीव भी बहुत ख़राब हो जाएगा, लेकिन इस केस को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये केस IIT खड़गपुर का है। यहाँ के बॉयज़ हॉस्टल में स्टूडेंट्स को ऐसा खाना दिया जाता है जिसे देखकर आपका जी घबरा जाएगा। असल में यहाँ पर बहुत ही गंदे तरीके से अनहाइजीनिक खाना दिया जा रहा है, जिसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि इस खाने में मरी हुई छिपकली नज़र आ रही है, जो खाने के साथ ही पक गई है। इसके पहले भी यहाँ खाने से मक्खियाँ, वॉर्म्स और भी गंदी चीज़ें निकली, जिसके बाद एक स्टूडेंट ने इस खाने की वीडियो बनाई जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल भी हुई। आइसक्रीम बार। अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हो तो इस केस को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस केस को सुनने के बाद आप शायद आइसक्रीम को बहुत ध्यान से खाओगे। ये केस उड़ीसा के नयागढ़ टाउन का है, जब रंजन कुमार नाम के एक आदमी ने अपने इलाके में घूम रहे एक आइसक्रीम बेचने वाले से एक आइसक्रीम बार खरीदी, जिसे वो मज़ा लेकर खा रहे थे। कुछ देर तक उन्होंने आइसक्रीम का मज़ा उठाया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें अपने मुँह में कुछ बहुत ही नुकीली चीज़ महसूस हुई, जिसके चलते उन्होंने फ़ौरन ही उसे अपने मुंह से बाहर निकाला, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने देखा कि उनकी आइसक्रीम पर एक रेजर ब्लेड लगी हुई है, जिसे देखकर वो फ़ौरन आइसक्रीम बेचने वाले के पास भागे। और जब उससे ये पूछा कि इस आइसक्रीम में ब्लेड कैसे आई, तो उसने ये कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी आइसक्रीम से निकल ही नहीं सकती। लेकिन अब आप ये सोच सकते हो कि रंजन की जगह अगर कोई बच्चा होता तो उसका क्या हाल होता। बेंडेड इन मैकडोनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज। मैकडोनल्ड्स एक ऐसा फेमस ब्रांड है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि हमने इस ब्रांड से रिलेटेड पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि कभी इसमें से चिकन हेड निकलता है तो कभी मरी हुई कॉकरोच, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। सेंटा मारिया में रहने वाले लोरेंजो गोमेस जब अपने लंच ब्रेक में मैकडोनल्ड्स से अपना फ्रेंच फ्राइज लेने के लिए पहुँचे, तब अपने फेवरेट फ्रेंच फ्राइज खाते हुए उन्हें अचानक से अपने मुंह में कुछ बहुत ही अजीब चीज़ महसूस हुई, और जब उन्होंने इसे अपने मुंह से बाहर निकाला तो देखा कि वो एक बैंडेड थी
जिसे देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगा। इसलिए वो मैकडोनाल्ड्स के रेस्टोरेंट वापस पहुंचे, जिसके बाद वहां के मैनेजर और एक एम्प्लॉय दोनों ने माफी मांगी, जिसके हाथ की बैंडेड उनके खाने में गिर गई थी। जिसके बाद उनके खाने का रिफंड तो दिया ही, साथ में उन्हें $25 का गिफ्ट कार्ड भी दिया, जो कि गोमेज लेने से मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिद करके उन्हें दे ही दिया। गोमेज ने बताया कि मैकडोनाल्ड्स के स्टाफ मेंबर्स ने उन्हें बताया था कि वो उस वक्त बहुत बिजी चल रहे थे, जिसकी वजह से वो अपना ग्लव्स पहनना भूल गए थे और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। गोमेज ने इस बैंडेड का फोटो फेसबुक पर शेयर किया था, जो कि बहुत ही वायरल हुआ, जिसे देखकर लोग ये कहने लगे कि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में इसके बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन गोमेज ने कहा कि वो कोई भी कंप्लेंट फाइल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये उम्मीद करते हैं कि ये रेस्टोरेंट फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। रेट फाउंड इन फूड। जैसे कि हमने आपको पुराने केसेस में बताया कि कैसे स्कूल में बच्चों के खाने में से एक मरी हुई छिपकली निकली थी, ऐसे ही इस केस में खाने में चूहा निकला। ये केस गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के जमला विलेज के एक गवर्नमेंट स्कूल का है। असल में जब टीचर बच्चों को खाना देने से पहले उसे चेक कर रही थी, तब उन्हें कंटेनर के बाहर से एक पूंछ दिखाई दी। इसलिए जब उन्होंने कंटेनर को खोला और ध्यान से देखा तो उसमें एक मरा हुआ चूहा दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में की गई, लेकिन उससे कुछ भी हल नहीं निकला। ये तो अच्छा हुआ कि बच्चों को खाना देने से पहले टीचर ने उसे चेक कर लिया था, नहीं तो अगर ये खाना बच्चों को दे देते तो पता नहीं कितने बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। लेकिन सिर्फ यही नहीं है जिनके खाने में से चूहा निकला हो, बल्कि कोलंबस में रहने वाली डियानेरा कोर्टेस नाम की एक औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में से चिकन नूडल्स खरीदे, जो कि वो खाना बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन इसे खाते हुए अचानक से इसमें एक मरा हुआ और नूडल्स के साथ पका हुआ चूहा दिखाई दिया, जो कि नूडल्स के साथ पक चुका था और ये देखने में बहुत ही गंदा लगता है। जब इस लेडी ने इसकी कंप्लेंट पुलिस में की, तब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये रेस्टोरेंट बंद करवा दिया गया। अंत में द नॉलेज बुक आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि जब भी आप कहीं बाहर खाना खाएं तो उसे अच्छे से चेक कर लिया कीजिए कि कहीं उसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, इन सभी केसेस में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा शौक लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।